बेटो तुमको पता है क्या, इन दिनों अपने बॉलीवुड में भैया बॉडी को पंप करने का सीजन चल रहा है। तभी तो हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार इन दिनों अपने बॉडी को पंप कर रहे हैं भाई, पंप कर रहे हैं। काई को तो भैया बहुत दिनों से खाली बैठने की वजह से ना भैया बॉडी में थोड़ा सा जंग लग गया था, तो भाई इधर उधर थोड़ा सा ग्रीसिंग करना होगा ना स्क्रीन पर आने से पहले। तो भाई इन दिनों हमारे बॉलीवुड के जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं वो अपने बॉडी को भैया पंप कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं अपनी आने वाली फिल्मों की तैयारी के लिए। अभी हाल फिलहाल में अपना सल्लू भाई है ना, वो भी अपनी बॉडी को पंप कर रहा था। काय को तो भाई उनकी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि टाइगर 3 का काम शुरू होने वाला है। तो भाई एक तरफ अगर बॉलीवुड के टाइगर खान अपने बॉडी को पंप कर रहे हैं, तो भैया बॉलीवुड के उभरते हुए नए टाइगर यानी कि टाइगर श्रॉफ कैसे खामोश बैठेंगे। तो भाई उन्होंने भी भाईजान को देखते ही अपने बॉडी को पंप करना शुरू कर दिया है भाई, लेकिन किस फिल्म के लिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के बेहतरीन एक्शन हीरो में से एक यानी कि टाइगर श्रॉफ से। तो दोस्तों आपको याद ही होगा कि हाल फिलहाल में टाइगर श्रॉफ ने अपनी आने वाली दो फिल्मों को लेकर ये घोषणा तो कर दी थी कि भाई बहुत जल्दी ही वो अपनी आने वाली इन दोनों फिल्मों का काम शुरू कर देंगे, यानी कि भैया उनकी आने वाली इन दोनों फिल्मों का काम कोरोना वायरस की वजह से रुक गया। यानी कि भैया इन दोनों फिल्मों में से उन्होंने एक फिल्म का काम तो भैया सेकेंड लॉकडाउन लगने से पहले शुरू कर दिया था, जिसका नाम था गणपत। और भाई उसके बाद उनकी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि हीरोपंती 2 को लेकर यह खबर हम लोगों के सामने आ गई थी कि भाई इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है वो बहुत जल्दी इस फिल्म को फ्लोर पर ले जाने की तैयारियों में जुट चुके हैं। यानी कि भैया साजिद नाडियाडवाला ने हीरोपंती 2 का काम शुरू करने के लिए अपनी पूरी यूनिट को भाई वैक्सीनेट कर दिया था कि भाई किसी वजह से उनके इस फिल्म का काम ना रुके। तो भाई अब जब एक तरफ इस फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि साजिद नाडियाडवाला ने अपनी तरफ से सारी तैयारियां शुरू कर दी है, तो भाई अपने टाइगर श्रॉफ कैसे पीछे रहेंगे। तो भैया इन दिनों टाइगर श्रॉफ भी अपने मस्कुलर बॉडी को बनाते नजर आ रहे हैं और उनके इस बॉडी को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई इस बार हीरोपंती 2 में जबरदस्त हीरोपंती दिखाते नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ अपने बेहतरीन एक्शन वाले अवतार के माध्यम से। यानी भैया इन दिनों अगर हम बात करें बॉलीवुड के बेहतरीन एक्शन हीरोज की, तो भैया उसमें एक नाम ऐसा है जिसको लेकर यह बात कही जाती है कि भाई आने वाले समय में इस एक्टर का पीछा करना भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों के लिए भी बहुत टेढ़ी खीर साबित होगी। और भाई वो है हम सबके प्यारे यानी कि टाइगर श्रॉफ। यानी भैया टाइगर श्रॉफ ने अपनी एक्टिंग के माध्यम से, अपने डांस के माध्यम से और उसके बाद अपनी जबरदस्त एक्शन के माध्यम से लोगों का दिल कुछ इस कदर जीता है कि उनको लेकर यह बात कही जाती है कि भाई ये जो एक्टर है वो सर्वगुण संपन्न है, यानी कि इस एक्टर को किसी भी मामले में पकड़ा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों टाइगर श्रॉफ ने अपने कमर को कस लिया है यानी कि भैया अपने बॉडी को बनाना शुरू कर दिया है। बेड़ू बोले तो किसके लिए, तो भैया अपनी आने वाले मच अवेटेड फिल्म यानी कि हीरोपंती 2 के लिए। तो दोस्तों आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि भाई इन दिनों जिस तरीके से टाइगर श्रॉफ अपनी आने वाली इस फिल्म के लिए पसीना बहा रहे हैं, तो भैया उनका ये पसीना बर्बाद नहीं जाएगा ना। ये फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर आएगी तो भाई हीरोपंती 1 का रिकॉर्ड तोड़ कर जाएगी कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।